हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी ईबी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। रिद्धिमा डेट पर वेट कर रही थी। उसके पति के साथ उसकी डेट थी और पति ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो चुके थे। वो सोच में पड़ी हुई थी कि कहाँ, यहाँ खाना खाने के बाद मुझे वापस से काम पर जाना है ऑफिस में। उसने अपने पति को मैसेज किया, थोड़ा गुस्सा आ रहा था लेकिन लिखा, कहाँ हो? पति का जवाब आया, मैसेज किया, लिखा, डार्लिंग मैं नहीं, तुम्हारे साथ लंच पर कोई और आ रहा है। रिद्धिमा पूछने ही वाली थी कि इतने में रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला, देखा तो रिद्धिमा की माँ। रिद्धिमा ने अंदाजा लगा लिया था कि माँ अपने घर से रेस्टोरेंट तक पहुंचने के लिए टैक्सी में एटलीस्ट 2 घंटे बैठी हुई होंगी। इतनी दूर तक आने के लिए रिद्धिमा ने माँ को बैठाते हुए कहा कि सब ठीक तो है माँ, मतलब आप इतनी दूर तक आए हो तो कोई तकलीफ तो नहीं? माँ ने बोला, नहीं बस तुम्हारे साथ लंच करने की इच्छा थी, मौका मिला आ गई। और वो पिक्चर रिलीज हुई है जो हमने साथ देखी थी, याद है? रिलीज हो गई है लेकिन अब तक हमने नहीं देख पाए, कल चलें? रिद्धिमा ने तुरंत कहा, माँ जाना तो है देखने के लिए लेकिन इस महीने बहुत काम है, अगले महीने चलें। अगले महीने रिद्धिमा अपनी मम्मी के साथ तो थी लेकिन थिएटर नहीं, हॉस्पिटल में। रिद्धिमा ने माँ का हाथ पकड़ कर रखा था और माँ ज्यादा बात करने की हालत में नहीं थी। उन्होंने रिद्धिमा के हाथ में एक डायरी थमा दी, मुस्कुराई और वक्त बहुत कम था। माँ के जाने के बाद उस रात रिद्धिमा ने कांपते हुए हाथों से उस डायरी को खोलने के लिए हिम्मत जुटाई। डायरी के पहले पन्ने में लिखा था, 21st of Feb 1984, तुम पहली बार चली थी, मैंने उस मोमेंट को मिस कर दिया। 30th Jan 1987, जब तुम पहली बार नन्ही सी गुड़िया अपने स्कूल के स्टेज पर चढ़ी थी ग्रुप डांस के लिए, मैंने उसे भी मिस कर दिया। 5th of May 1997, जब तुम पहली बार मेरे साथ एक फिल्म देखने के लिए तैयार हुई थी, कितने खुश थे तुम, एकदम एक्साइटेड, मैं उस दिन भी लेट हो गई और तुम्हारा दिल तोड़ दिया। बेटा मैंने बहुत कुछ मिस किया है बेटा, लेकिन मेरे जैसा बिल्कुल ना करना, कुछ भी मिस ना करना, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की कोशिश करना, उसके लिए लड़ना, पूरा जोर लगा देना, क्योंकि बच्चे वो याद नहीं रखेंगे कि आपने उन्हें कौन सा महंगा खिलौना ला करके दिया, पर वो यह याद जरूर रखेंगे कि आपने उनके साथ कितना वक्त बिताया था। समय सही करने के इंतजार में जिंदगी बीत जाएगी, इससे अच्छा जो समय मिला है उसे सही बना दे। सो अदैन, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई आपकी पेज के आप मुझे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।